डीजीएनए न्यूज़ के इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। और क्रिकेट के फैंस जिस खास फॉर्मेट का बेसब्री से इंतजार करते हैं उसकी आज फिर से शुरुआत होने जा रही है, यानी क्रिकेट की महफिल सजने जा रही है। आईपीएल के इस सीजन का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है, वो भी एक महामुकाबले के साथ। ये मुकाबला है सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस, यानी दो धाकड़ कप्तानों के बीच की ये लड़ाई का श्री गणेश किस अंजाम तक हमें ले जाएगा, निश्चित तौर पर ये बड़ा दिलचस्प हम सभी के लिए होगा। बात की जाए इस सीजन के पहले चरण की तो 29 मुकाबले खेले जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थगित करना पड़ा था कोरोना के कारण। कई खिलाड़ी कोविड की चपेट में आए थे जिसके बाद इसके पहले फेज को रोकना पड़ा और आज यूएई में अब ये मुकाबले खेले जाएंगे जिसकी शुरुआत होने जा रही है। क्या कुछ खास हो सकता है और इससे पहले क्या कुछ हुआ था, क्योंकि अभी भी 31 मुकाबले बाकी हैं इस साल के आईपीएल चैंपियनशिप के लिए, तो यह देखना बड़ा ही हम सभी के लिए खास होगा। और जैसा कि इंतजार था क्रिकेट फैंस को कि आईपीएल का ये दूसरा चरण कब शुरू होगा, तो वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई है और हम एक बार फिर हमारे खास जो मेहमान हैं जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं उनसे आप सभी का परिचय करवा देते हैं, वो भी औपचारिक तौर पर, क्योंकि वैसे तो आप सभी बहुत बेहतर तरीके से सभी को पहचानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंडो डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य जाने माने क्रिकेटर रहे श्री सुखदेव सिंह गुम्मन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। और सर आपकी फिटनेस बता रही है कि इस बीच के गैप का आपने बहुत जबरदस्त उपयोग भी किया है तो खेल गतिविधियों से जुड़े रहते हैं और यही वजह है कि तमाम उनकी जो राय है वो एक्सपर्ट के तौर पर हम सभी के बहुत काम आती है। और खास अतिथि के तौर पर हमारे साथ देवाशीष निलोसे सर मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपीसीए से जुड़े हुए हैं, आईडीसीए से जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ क्रिकेट की जो तमाम नई प्रतिभाएं हैं उन्हें बता रहे हैं कि आखिर किस दिशा में जाना है और कैसे सही मुकाम को हासिल किया जा सकता है। तो दोनों ही खास अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हम शो को शुरू करें उससे पहले एक जानकारी हम आपको देते, थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि डेली कैपिटल्स अंक तालिका में सबसे ऊपर है शानदार प्रदर्शन के बल पर। दूसरे नंबर पर धोनी की अगुवाई वाली टीम सीएसके और उसके बाद तीसरे नंबर पर विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी और चौथे नंबर पर जो टीम है वो है मुंबई इंडियंस। पांचवें नंबर की टीम की बात करें तो वो है राजस्थान रॉयल्स, छठे नंबर पर है पंजाब, सातवें नंबर पर है केकेआर और आठवें नंबर पर दुर्भाग्य से इस बार है सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि टीम अच्छी है लेकिन प्रदर्शन ठीक नहीं कर सकी। सर आपसे शुरू करता हूं और पिछला थोड़ा सा दर्शकों को रिपीट करवा देते हैं। सर जो 29 मुकाबले खेले गए थे बहुत शानदार मुकाबले रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदली है, पहले भारत में था अब यूएई में मुकाबले खेले जाएंगे, कितना ज्यादा खिलाड़ियों के लिए ये बदलाव जो है मायने रखेगा? किसी भी टूर्नामेंट में जब स्टार्ट करते हैं तो बेशक आप उसी जगह पर खेलें तो एक टीम कंपोजिशन बनने में, लोगों को लय में आने में, उस फॉर्मेट को समझने में, ऑल्दो आजकल क्रिकेट फटाफट क्रिकेट इतना ज़्यादा हो चुका है कि प्रैक्टिस सेशंस में ही और एक आध मैच में ही उन लोगों को पता लग जाता है कि पिच कैसा बिहेव कर रहा है, कंडीशंस कैसी हैं, ड्यू फैक्टर है नहीं है, टीम मैनेजमेंट पहले ये सारे स्टैटिस्टिक्स डेटा अपने पास रखती है। बट फिर भी उन सब टीम मेंबर्स को अलग अलग टीमों से इकट्ठा करना, लाना, साथ में रखना, जेल करना, वो भी इस मुश्किल समय में जहाँ कोविड है। और जैसे कि पिछली बार इंडिया में 29 मैचेस खेले गए थे और कोविड के कारण से ही इसको पोस्टपोन किया गया था, और अब ऐसा समझा जा रहा है कि यूएई जो है एक सुरक्षित प्लेस है जहां पे क्रिकेट हो सकता है, और सारे दर्शक इंक्लूडिंग हम लोग सब उस समय में जब क्रिकेट के ऊपर एक अभिशाप सा लगा दिख रहा है कि ओल्ड ट्रैफर्ड पाँचवा टेस्ट मैच था जो होना था और फाइनल सीरीज डिसाइड हो रही थी इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, कोविड के कारण से पोस्टपोन हो गया, रावलपिंडी वनडे सीरीज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में, रिसेंटली सिर्फ 2 घंटे पहले वनडे 50 ओवर मैच चालू होने से पहले जिस होटल में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम रुकी हुई थी उससे थोड़ी सी दूर के ऊपर एक ह्यूमन सुसाइड बॉम्बर अटैक होता है और जिससे सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए सीरीज को कॉल ऑफ कर दिया। तो मेरे ख्याल से इससे और बेटर कोई तरीका नहीं हो सकता कि जब हम सब क्रिकेट को चाह रहे हैं, होना चाहिए, और किसी न किसी कारण से क्रिकेट अनसीन रीजन से पोस्टपोन हो रहा है, कोविड हम देख रहे हैं, बट अभी एक बायलेटरल सीरीज जो है पाकिस्तान के साथ में शुरू हो रही थी जिसमें पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेल रहे थे, वो एक सिक्योरिटी थ्रेट के नाम से और एक बॉम्ब अटैक
जस्ट उस होटल के पास में जहां दोनों टीम रुकी हुई है उसको देखते हुए क्रिकेट को कॉल ऑफ किया गया। कोई भी फॉर्मेट हो क्रिकेट का ऑलवेज वेलकम है, और कम से कम ऐसे सिनेरियो में जब अभी भी हम सबको अलग अलग तरह की कोविड के स्ट्रेन सुनने को आ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में कोई नया आ गया, रशिया में कोई नया आ गया, वेव थ्री आने वाली है, वेव टू हम बहुत देख चुके हैं, हमने कहीं ना कहीं अपनों को, अपने दोस्तों को, कहीं ना कहीं अपने टच में लोगों को खोया है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हम सबके माइंड में है, और इस समय पर ये एक वरदान बनकर आईपीएल फिर से हम सबके सामने आ रहा है कि हम कुछ समय अपनी वो वरीज, अपनी चिंताएं, अपने रेगुलर शेड्यूल को छोड़कर एक दिमाग से उस स्ट्रेस को दूर करें, नेगेटिविटी को निकालें, खेल की दुनिया में आएं, अच्छा सोचें, अच्छा देखें, प्लानिंग करें। और इससे सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि जब आप वॉच करते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ, आप जो भी जिनके साथ आप खेल चुके हैं, कलीग्स के साथ, आप उसको डिस्कस करते हैं, सब एक दूसरे से बात करते हैं, सो कोई ना किसी टीम को हम पैटर्नाइज करते हैं, तो वो आपके दिमाग को चेंज करता है, और दिमाग चेंज होता है, हमारा जैसा माइंडसेट होता है हमको दुनिया वैसी दिखती है। जब हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, हमें पॉजिटिव दिखेगा और लाइफ में कम्स मच मोर इजी। इट इज ए वेरी मच बून टू मैनकाइंड एट दिस टाइम। तो ये एक खास बात कही है कि प्रेशर जो एक कहीं ना कहीं हम लोग मानसिक दबाव महसूस कर रहे थे, और खासतौर पर उस समय जब सेकेंड वेव के समय आईपीएल का फर्स्ट फेज शुरू हुआ तब फिर प्रेशर रिलीज हुआ था, लेकिन जैसे ही कोविड ने कहीं ना कहीं आईपीएल के खिलाड़ियों तक अपनी जद में उन खिलाड़ियों को लिया तो फिर एक बार प्रेशर बढ़ा था, लेकिन अब सभी हैपनिंग एक बार फिर शुरू हुई है, कोविड हमसे दूर हुआ, इसीलिए हम सब हैप्पी हैं, और इस हैप्पीनेस में चार चांद लगाने के लिए कहीं ना कहीं आईपीएल की शुरुआत जो आज हुई है वो बड़ा खास मायने रखेगा। क्या कहेंगे देवाशीष सर इस खास बात पर? बिल्कुल सही, मैं पूर्णतः सहमत हूँ सुखदेव भाई से कि ये क्राइसिस हमने देखा है, और जहाँ बहुत बहुत परेशानियाँ मानसिक तौर पे भी हुई हैं और शारीरिक तौर पे भी हुई हैं, और वहाँ एक आईपीएल का पुनः स्टार्ट होना, जो जहाँ छोड़ा था वहाँ से शुरू करना, और इस माहौल को, उस नेगेटिविटी को दूर करना, और वापस एक जुनून और जज्बे के साथ, देखिए क्या होता है कि खेल और खिलाड़ी ही एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उस जो एक सिनेरियो क्रिएट हो गया था और जो परिस्थितियां बन गई थी उसे दूर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हमने विंबलडन भी देखा, हमने ओलंपिक्स भी हमने सारे देखे, हमने यूएस ओपन देखा। मैं इसमें सुखदेव भाई एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए इंसान है, लेकिन हमको प्लेयर्स को हैट्स ऑफ, मतलब बायो बबल में इतने लंबे समय तक अकेले रहना जहां आपको कोई बात करने के लिए नहीं है कोई आपसे, और एक एक डर हमेशा रहता था कि कहीं कहीं आप संक्रमित ना हो जाएं किसी से, तो उन सब चीज को देखते हुए खिलाड़ियों को जिस तरह से परफॉर्मेंस उन्होंने ओलंपिक्स में किया है, जिस तरह से विंबलडन, यूएस ओपन, और जिस तरह से हमने इंग्लैंड सीरीज भी देखी है, मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर बहुत बड़ा क्रेडिट हमको खिलाड़ियों को देना चाहिए और खेल को देना चाहिए कि देखिए ये तो अब एक पार्ट एंड पार्सल हो गया लाइफ का, ये कोविड और कोविड से जैसी कई चीज़ें सिनेरियो चेंज हो गए, जैसे हमने बात की है कि अब इमोशनल नहीं होके ये बहुत प्रोफेशनल एक जो रेस हो जाती है या स्ट्रगल हो जाता है, कोई देश किसी को भी नहीं बख्शेगा, तो ये कोविड और ऐसी चीज़ें हमको उसको लेके चलना पड़ेगा कि आती रहेंगी, लेकिन खेल ही एक ऐसी चीज़ है, खिलाड़ी एक ऐसी चीज़ वो है, माध्यम है जो वाकई तौर पे इससे बाहर निकाल पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि फिर अब थोड़ा सा एक एडेड एडवांटेज ये होगा कि थोड़ा सा हम कोविड से बाहर निकले हैं तो क्राउड अब हमको थोड़ा सा देखने को मिलेगी, जो आईपीएल के प्लेयर्स बिना क्राउड के खेल रहे थे अब हो सकता है कि एक एडेड एडवांटेज उनको मिलेगा कि क्राउड के बीच में खेलना है, एक अलग मॉरल बूस्टिंग होता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग बढ़ जाता है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, तो आपका एक जुनून जज्बा और बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत अच्छी शुरुआत वापस हमको देखने को मिलेगी। तो 50% की क्षमता के साथ जो दर्शक हैं, क्रिकेट के फैंस हैं, वो स्टेडियम में
जा सकते हैं सीधे मुकाबले को साक्षी बनने के लिए। और महत्वपूर्ण बात यह कि तकरीबन 1000 लोगों का जो पूरा स्टाफ रहेगा सभी टीमों का, उन्हें हर तीसरे दिन उनका कोविड टेस्ट होगा। कड़ा जो एक पूरा बायो बबल है वो वहां पर रहेगा, जिसके कारण खिलाड़ी निश्चित तौर पर दबाव में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद तारीफ करनी होगी, जैसा कि देवाशीष सर ने बताया कि उसके बावजूद सभी लोग कहीं ना कहीं क्रिकेट के प्रति, खासतौर पर खिलाड़ी जो है वो हम सभी के मनोरंजन के लिए हाजिर होंगे। पूरे टूर्नामेंट में 30,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट होंगे। पूरे मैच जो खेले जाएंगे, हर मैच में 2 मेडिकल की टीमें रहेगी, लैब टेक्नीशियंस रहेंगे, और उसके साथ साथ ऐसी सभी जो सुरक्षा के लिहाज से तकनीकें हैं वो खिलाड़ियों के लिए मौजूद रहेगी। तो इस तमाम जो संसाधन है उसके बीच ये मुकाबले खेले जाएंगे। और अब सीधे हम मैच से जुड़ी बातें हैं वो कर लेते हैं, खासतौर पर खेल जो है हम लोगों का, जिसके आज हम साक्षी बनेंगे, उसमें महत्वपूर्ण पहलू कई है, क्योंकि इसके ठीक बाद में T20 का वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। और जैसा कि विराट कोहली ने कहा है कि उसके बाद वो इस सीमित ओवरों के जो फॉर्मेट है उससे उसकी कप्तानी नहीं करेंगे, तो यहाँ विराट कोहली की कप्तानी की परीक्षा होगी कि आलोचकों को क्या जवाब देते हैं। और उसके साथ साथ T20 में भारतीय टीम के अगले कप्तान के तौर पर जिसको देखा जा रहा है वो है रोहित शर्मा। तो क्या वो छठी बार मुंबई इंडियंस को खिताब दिलाकर बता पाएंगे कि जो फैसला होने वाला है वो उसके लिए बिल्कुल सटीक बैठते हैं। और उसके साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी, जो भले ही क्रिकेट से थोड़ा सा दूर जरूर हुए थे लेकिन क्रिकेट उनसे दूर नहीं हुआ, और जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें भारतीय टीम के वो मेंटोर रहेंगे, तो इन खिलाड़ियों पर निगाहें रहेगी। सर क्या कहेंगे इस पूरे समीकरण को लेकर? नहीं देखिए, एक कंट्रोवर्सी बीच में उठी थी कि जैसा आपने कहा भी और बाद में उसको विराट ने एंडोर्स किया, मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐसा समय है जब हम लोगों ने इंग्लैंड में एक बार एक फर्स्ट टाइम एक सीरीज में 2 टेस्ट मैच अभी तक जीते और अभी एक मैच खेलना बाकी, तो एक ऐसा सिनेरियो जहां पे हम हमारे घर से, हमको सब बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान की टीम हिंदुस्तान में बहुत अच्छी खेलती है, बाहर जाकर अच्छी नहीं खेलती, इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हराना अपने आप एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी थर्ड एक और मैच अभी बाकी है इस सीरीज में, 4 मैच हुए हैं, 5 मैच की सीरीज है, 5th मैच खेलना बाकी है। मे बी जब अभी वनडे के लिए वापस इंडिया टीम जाएगी इंग्लैंड, तो वहां पे वो टेस्ट मैच खेला जाएगा। उस समय उस कड़ी कंडीशन में से एक कप्तान जो जीत के आता है, हाँ हम एक बात जरूर कर सकते हैं, हर खिलाड़ी के करियर में फेज में लाइफ में एक फेज आता है जो लीन होता है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत लंबी इनिंग नहीं खेलता है या वो ज़्यादा रन नहीं बनाता है। हम देखेंगे तो पिछले एक साल में विराट ने सेंचुरी नहीं बनाई है, बट अगर आप अदरवाइज देखेंगे तो जो टीम जैसा खेल रही है उनके हिसाब से अगर हम देखें तो उनके बिना भी किसी और बैट्समैन ने इतनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग नहीं करी है कि हम बोल सकें कि विराट फेल हुआ और बाकी कोई और बैट्समैन जो है सक्सीड हुआ। वो कंडीशन ऐसी टेस्टिंग और ट्रायल की है कि जिसमें हम बार बार पहले भी आपको बता चुके हैं कि एक सेशन में टेस्ट मैच का सिनेरियो बदल जाता है, 5-7 विकेट हो जाती हैं, वो टीम कमबैक कर ही नहीं पाती है। वहां पर ऐसी चीज देखते हैं और एक टीम मोरल बूस्टिंग, एक इंडिया को उस लेवल पे लेके जाना जहां पे किसी ने रेट नहीं किया था कि हम लोग इंग्लैंड से जीतेंगे, हम 2-1 से उनको लीड कर रहे हैं और एक टेस्ट मैच अभी खेलना बाकी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत थोड़ा सा सेंटिमेंटल काइंड ऑफ डिसीजन है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है, अगर मैं खुद भी क्रिकेटर रहा हूँ, देवाशीष भाई भी क्रिकेटर हैं और कोच रहे हैं NCA के साथ में, बॉलिंग कोच रहे हैं आप, असिस्टेंट बॉलिंग कोच रहे हैं, तो आप जितने क्लोज क्रिकेट देखते हैं या हम देखते हैं या सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोहित वर्सेज अगर हमको विराट को देखना होगा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विराट का फ्यूचर अभी भी रोहित के कंपैरिजन में बहुत लंबा है। हमने देखा कि रोहित लगभग हर फॉर्मेट में, जैसे इंग्लैंड में खिलाया ठीक है, उन्होंने 100 भी किया, बट वो फिट नहीं है ओपनिंग स्लॉट के लिए। आपको एक रेगुलर ओपनर ही रखना होगा। आप 20-25 रन बनाते हैं, बहुत सारी बॉल आपको छोड़नी होती है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक इस तरह का फॉर्मेट है जहां आपको जो भी बॉल आपकी 4th स्टंप पे 5th स्टंप पे वो आपको छोड़नी है, आपको वो बॉल भी जो हाइट ऊपर है उसको छोड़ना। तो ओपनर का एक स्पेसिफिक रोल है कि आपको बॉल के साथ छेड़खानी नहीं करना, छोड़ना, कम से कम बॉल खेलनी है, जो बाहर हैं जो हाइट जिनकी ऊंची है उन सबको छोड़ना है। और मैंने देखा है कि रोहित शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल से कमिट हो ही जाते हैं। हमने 3 बार उनको देखा आउट होते हुए कि कप्तान आपके लिए डीप लॉन्ग लेग मिडविकेट फील्डर रख रहा है और आपको 3 फील्डर वहां कैचिंग में हैं और आप फिर भी हुक अटेम्प्ट कर रहे हो और आउट हो रहे हैं। एक सेटल होने के बाद में उस तरह का स्ट्रोक प्ले करना, और उसके बाद हम ऐसा चाह रहे हैं कि उस आदमी को हम कप्तानी सौंप रहे हैं,
तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इट नीड्स टू बी रिकंसीडर। और विराट एज ए बैट्समैन, एज ए कैप्टन, एज ए फील्डर अगर हम बोलेंगे, हम हर डिपार्टमेंट में बात करें, तो मुझे लगता है कि वो मच बेटर है एज कम्पेयर टू रोहित शर्मा। सर कितने इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए विराट को हम अगर देखें तो जिस विराट रूप में वो है, जैसे सुखदेव भाई ने बोला कि वहाँ विराट को अपनी श्रेष्ठता साबित करने की जरूरत नहीं है, अरे बहुत बड़ा रिकॉर्ड, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी उनके पास है, लेकिन क्या होता है कि फिर हम कहते हैं कि एक इमोशनल है, एक एक, एक हम भी, वो भी एक ह्यूमन बीइंग वाला हिसाब है, वो भी है। अब उसमें क्या होता है कि जब आपको उस लेवल को मेंटेन करना होता है, आज आप मतलब विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, तो आज विराट के लिए कप्तानी प्रूव करना जरूरी नहीं, जितना उसको अपनी अपनी बल्लेबाजी की श्रेष्ठता को साबित करते रहना है। तो वहाँ क्या होता है कि एक बहुत बड़ा प्रेशर, और मैं हमेशा कहता आया हूँ कि सुखदेव भाई आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि और जितनी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं उनमें से भारत की कप्तानी करना एक बहुत बड़ा, एक बहुत मुश्किल टास्क है, यानी एक बहुत एडिशनल प्रेशर होता है, जो हमने धोनी को भी देखा, हमने सचिन को भी देखा, सचिन से इनफेक्ट उस बारे में बात भी हुई थी। तो मैं मतलब उस प्रेशर को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और वहाँ पे विराट ने कहीं भी, हमें ऐसा नहीं लगा कि विराट फेलियर साबित हुए हैं। विराट ने बहुत, यहाँ पे जो डिसीजन है वो विराट का, मैं समझता हूँ कि, मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि बीसीसीआई जब तक अनलेस अनटिल खुद विराट नहीं कहेंगे तब तक बीसीसीआई उनको हटाएगी नहीं, बिल्कुल। और ये विराट का डिसीजन को मैं सम्मान करता हूँ कि देखिए बल्लेबाजी अगर इम्पैक्ट हो रही है या उसका इम्पैक्ट उनकी बल्लेबाजी पे अगर आ रहा है, उनको ऐसा लगता है, हमें नहीं लगता, जैसे सुखदेव भाई ने बोला कि वो कहीं फेलियर नहीं हुए, बट उन्होंने मतलब एक जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा था, क्योंकि हम उनको हमेशा बहुत बड़ा स्कोर करते हुए देखना चाहते हैं। तो वहाँ पे अगर उनको लगता है कि मुझे वो एक एडिशनल प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से मैं जो रिदम के साथ बल्लेबाजी करते हैं, जो जो श्रेष्ठता और जो डोमिनेट करके बल्लेबाजी करते हैं, वो शायद कहीं उनका सोचना ये हो सकता है कि शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर वो व्यक्तिगत है, और हमको उनके व्यक्तिगत डिसीजन को सम्मान करना चाहिए, कि अगर वो ये सोचते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। और जहाँ तक रोहित की बात है कि रोहित को सिर्फ अगर कप्तानी दे रहे हैं तो सिर्फ ये वन डे T20 वाली जो है उसमें, उस फॉर्मेट में ही वो सक्सेसफुल है। हालांकि अभी इंग्लैंड में उन्होंने अपना वो परफॉर्मेंस किया है जिसमें टैलेंटेड बहुत है, अथाह टैलेंट है, लेकिन विराट और उसका कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि T20 में जिस तरह से उन्होंने मुंबई इंडियंस को लीड किया है, और सिर्फ हम T20 की बात करते हैं कि उनको बाकी विराट टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में इंडिया का नेतृत्व करते रहे, T20 में निश्चित तौर पे अगर रोहित को देते हैं एक चांस तो मुझे लगता है कि रोहित जस्टिस कर पाएंगे, डेफिनेटली करेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें देवाशीष ऐड करना चाहूँगा। देखिए एक ऐसा प्लेयर, उसमें टैलेंट बहुत इमेंस है, और मैं तो कहूंगा कि BCCI को उसको बहुत खास नहीं रहा है, कि किसी भी प्लेयर को इतना लंबा कैरियर नहीं मिला है, जो आउट ऑफ फॉर्म रहने के बाद में उसको बार बार कैरी किया जाता था, और वो फिर कोई एक इनिंग खेलने के बाद में 10 इनिंग 15 इनिंग फेल होना, और उस तरह से ऐसा चला है, और ही इज ए ब्लेस्ड मैन। बट अगर आप देखें पिछली बार जब टीम सिलेक्शन हुआ था 2020 का, उस समय बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस उसका सिलेक्शन ही डाउटफुल था। अगर आप एक कैप्टन जिसको बना रहे हो वो फिजिकली फिट नहीं है, सेकेंडली एज ए कैप्टन 2020 की बात करें या अगर हम किसी भी फॉर्मेट की अभी बात करें, तो जो विराट ने पहचान दिलाई है इंडियन क्रिकेट को, धोनी ने जहां उसको दिया और उसको जिस शिखर पे वो लेके गया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को स्लेजिंग करना, उनको गाली का जवाब गाली से देना, अगर किसी ने किया तो वो विराट ने किया। अंडर 19 से हुआ है, अंडर 19 में भी ऐसा ही हुआ, उस टूर्नामेंट में भी वो बहुत खुलकर बोलते हैं, और बहुत बॉडी लैंग्वेज उनका पॉजिटिव है, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, साथ रखते हैं। कैप्टन आपका मोटिवेटिंग होना चाहिए, वो आपको लीडिंग बाई एग्जाम्पल चाहिए। अगर आप रोहित शर्मा को देखेंगे तो मुझे कहीं उसकी बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिविटी नहीं नजर आती। हाँ, जैसा आपने कहा कि उसमें इमेंस टैलेंट है, वो टैलेंट का यूटिलाइजेशन क्या है? आप सेट होते हैं, 20 रन बनाते हैं, 20 रन के बाद में रेड शॉट खेलते हैं, जो खेलना ही नहीं है। कप्तान के लिए एक बैलेंस माइंड होना बहुत जरूरी है।
आप खुद अपने पे संयम नहीं रख सकते, बाकी संयम में कैसे रखेंगे? बट एनीवे इट्स अ डिबेटेबल जॉब. और अभी हम जो बात कर रहे हैं आईपीएल की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये भी हो सकता है कि T20 चैंपियन हो जाए विराट तो कप्तानी में, तो विराट तो और मैं तो फिर उसमें देवाशीष कहूंगा इन केस विराट अगर उससे मूव आउट होते भी हैं तो बीसीसीआई शुड गिव दिस चार्ज टू सम न्यू गाय. मुझे भी लगता है जो उनके अंडर नर्चर हो, ट्रेंड हो और टीम को आगे लेके बढ़े. अगर हमको बहुत लंबा सोचना है तो केएल राहुल एक बहुत बड़ा क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित भी कितना लंबा खींच पाएंगे, वही मैं बोल रहा हूं. उसके टेन्योर के कितना आप अगर आज किसी को चार्ज दे रहे हैं फॉर हाउ लॉन्ग, आप उसको दे तो रहे हैं पर कितने दिन उसको खिलाओगे आप? तो मुझे लगता है केएल राहुल हैं और ऐसे कुछ यंगस्टर को ग्रूम करना चाहिए. ये बहुत अच्छा हो गया. आप टू अर्ली टू से हार्दिक पांड्या है ना, ही इज ए इमेंस. उसमें भी अगर आप बोलेंगे इतना खतरनाक टैलेंट उस लड़के में है कि अगर वो थोड़े दिन और खेलेगा तो आप देखिए, मुझे लगता है कि ही विल सेट स्टैंडर्ड्स कि हाँ यार ऐसा प्लेयर होना चाहिए. ऑलरेडी कपिल देव से उसका कंपैरिजन हो रहा है, आइडल प्लेयर. तो आप ऐसे किसी बच्चे को समय दीजिए, उसको चांस दीजिए, वो टीम को आगे बढ़ाएगा, वो सीखेगा, उसके टेन्योर है, उसने अभी अभी खेलना शुरू किया है. रोहित ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के उसमें है यार, क्या उनका सिलेक्शन पक्का नहीं है? हम उसको कप्तान में हम सारी हम बात कर रहे थे कि सर अब आपकी टी शर्ट जो आपने पहनी है उसमें संदिग्ध भूमिका में आ गई है. देखिए नथिंग टू डू विद दैट, ये क्रिकेट है. देखिए ये क्रिकेट के लिए ये शो कर, ये देखिए ये ठीक है क्रिकेट. मैंने टी शर्ट मुंबई का पहना, उसका कैप्टन है. इट डजंट मीन कि मैं कुछ भी बोलूं इसके लिए. अभिषेक आपने पूछा था दोनों टीमों का, सीएसके और मुंबई इंडियंस, दोनों ही आईपीएल की हैवीवेट टीम्स हैं, सबसे बड़ी टीम है, सबसे दोनों ही सबसे ज़्यादा टाइटल जीत चुके हैं. अगर हम बात करें सिचुएशंस की, कंडीशंस की, डेफिनेटली आज अगर अंक तालिका में बात करेंगे तो सीएसके मुंबई से ऊपर है, सीएसके सेकंड पे है, मुंबई फोर्थ पे है. बट अगर हम लास्ट टाइम का आईपीएल जो यूए में होता उसका ध्यान रखें तो डैडी की टीम जो है वो लास्ट थी. देखिए कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. पहला पार्ट इंडिया में हुआ, इंडिया में रोहित की टीम बाद में कुछ पिकअप करी मुंबई इंडियंस, है ना. ऑल्दो सीएसके हैज डन वंडरफुल जॉब, उनके सारे प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे. बट गोइंग टू यूए, जब आप विकेट वहां चेंज करते हैं, जहां हमने पिछली बार वहां विकेट जो जैसी देखी थी, उन विकेट के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि दोनों टीमों में से प्रदर्शन, तो मुझे लगता है बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क था पिछली सीरीज की बात. बट क्रिकेट देखिए रोज का होता है, सीरीज हमें कुछ एक गाइडलाइन देती है कि पीछे क्या हुआ है. पर आज आपको क्रिकेट खेलना है, आज आपको वहां जाके बैटिंग करना है, आज आपको फील्डिंग करना है, और एक कैच, एक ओवर, सारी चीजें बदल सकती हैं. एक अच्छा बॉलर 3 विकेट ले ले, एक अच्छा बैट्समैन 5 छक्के मार दे, 6 छक्के मार दे, क्या, और आप अच्छे बैट्समैन का एक कैच छोड़ दें, तो कोई भी मैच कहीं पे भी टिल्ट हो जाता है. बट फिर भी अगर हम बात करें और अगर हम टीम कंपोजिशन की बात करें तो डेफिनेटली ये दोनों, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि आज क्रिकेट वापस से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, 2020 क्रिकेट स्टार्ट हो रहा है और हम ये सब नेगेटिविटी में से बाहर आ रहे हैं और हम खुद ही आपस में जूझ रहे हैं विराट या रोहित किसको बनाएंगे. तो और ऊपर से ये टेस्ट मैच पोस्टपोन हो जाता है, आपका 50 ओवर का मैच जो है वो कैंसिल हो जाता है. बहुत सारी नेगेटिविटी होने के बाद में जब वापस से अगर आपको कोई क्रिकेट देखने को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी हैवी वेट्स और एक वर्ल्ड जो है वो क्रिकेट को, दावत को जो वेट कर रहा है, आई थिंक दिस इज द आइडियल डे टुडे. देवाशीष सर यहां हम देखें कि मुंबई के लिए आप इसको किस लिहाज से देखते हैं कि टीम में प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है. इस टीम को हमने देखा कि अधिकांश समय पड़ी नहीं है, विकॉक, उसके बाद रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, पंड्या ब्रदर्स, पोलार्ड, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, ये लगभग सेम खिलाड़ी. लेकिन दूसरी तरफ सीएसके की बात करें तो कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में हम लोग देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट चलता रहता है. अभी सेम करण भी नहीं है, हालांकि क्वारंटीन है, 15 को पहुंचे हैं, टीम को ज्वाइन करेंगे. उसके बाद थोड़ा एक हम देखते हैं कि कंफ्यूज रहती है टीम की, मोइन अली, रविंद्र जाडेजा, किसे टीम में चयन किया जाए. तो ये एक ड्रॉबैक का क्या फायदा कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के लिहाज से इस प्लेइंग 11 को मिलता है? देखिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि
कैसे आप टीम का सिलेक्शन करते हैं, कैसे जब ऑक्शन होता है तो कौन सा प्लेयर, देखिए बहुत बड़ी स्टडी होती है जो पूरी टीम है वो स्टडी करती है कि आपको कौन कौन से स्लॉट के लिए कौन आपके पास है और किसको आप ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस ने सबसे पहले बाजी तो वहीं मार ली थी जब एक टीम आपने जब सेट की थी तो आपको फ्रिक्वेंट चेंजेस नहीं मिलते हैं उस टीम में, क्योंकि सबको अपना 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 रोल, अपना पार्ट जो प्ले करना है वो मालूम है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्ले करते हैं। तो इसलिए हमको मुंबई इंडियंस में कोई बहुत चेंजेस देखने को नहीं मिलते, क्योंकि और सारे आप देखे जिसको जब मौका मिलता है तब वो, और जैसा आपने बोला कि आपने जो नाम गिनाए हैं आप देखिए एक से लेकर 11 तक ऐसा लगता है कि आपको कि आप किसी को रिप्लेस करना है या किसी को चेंज करना है, क्षमतावान खिलाड़ी सारी क्षमता और सबने क्षमता क्षमतावान स्टैटिस्टिक्स या ब्लैकबोर्ड पे नहीं है, उन्होंने ग्राउंड पे परफॉर्म करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि ये अपर हैंड हमेशा मुंबई इंडियंस के साथ रहता है। देखिए जब आप फील्ड में जाते हैं और आप आपकी किटी पूरी पैक होती है तो एक एडिशनल कॉन्फिडेंस आप लेके जाते हैं। मुझे मालूम है कि एक फेल होगा तो दूसरा है, दूसरा होगा तो तीसरा है, तीसरा है तो चौथा है, लेकिन वहीं पे ये स्ट्रगल हमको धोनी की टीम को क्रेडिट ये देना चाहिए कि पिछला वाला जो आईपीएल था वो बहुत उनके उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत खराब था, उसके बाद उस टीम को वापस रीग्रुप करना और उसमें भी उनको मतलब जो लिमिटेड सोर्सेज हैं है ना वो वहाँ वहाँ भी उनसे चूक हुई कि किसको और लेके स्ट्रांग करना चाहिए था वो नहीं हो पाया, बट वो जितने भी लोग हैं उनमें उनको लेके वो जिस तरह से तैयारी कर करके आए हैं मुझे लगता है कि डेफिनेटली मुंबई इंडियंस का अपर हैंड हमेशा ही रहा है और रहेगा भी। लेकिन ये भी हमको देखना है कि जैसे सुखदेव भाई ने बताया कि जगह का परिवर्तन हुआ, एक रिदम चेंज हुआ, रिदम ब्रेक हुआ है, अभी तक वो रिदम के साथ सीएसके चल रही थी, अब वो रिदम को कंटिन्यू करना एक किसी भी टीम के साथ बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्या होता है आप एक साथ रहे फिर अलग हो गए, जुदा हुए सारे प्लेयर्स अपने अपना जो जो जिसकी जो सीरीज थी खेलने चले गए, जो बाकी जो बाहर थे वो उनका रिदम ब्रेक हुआ, जो अभी इंटरनेशनल खेल रहे हैं उनका तो रिदम में थे वो, बट उसमें कुछ अच्छा किया तो वो कॉन्फिडेंस के साथ है, जो नहीं कर पाए उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, और जो बाकी प्लेयर्स हैं वो अब वापस रीग्रुप होंगे और फिर वापस आके खेलेंगे। तो और ये कोविड के प्रोटोकॉल्स और ये सब जो है इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फिर सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ वहाँ पे रन्स बनते हैं यूएई में तो जिसका बैटिंग लाइन स्ट्रांग होगा डेफिनेटली उसको उसकी मदद मिलेगी, क्योंकि हम देख रहे थे कि 172 174 का एवरेज रन बने हैं वहाँ उस विकेट पे, तो उससे आप समझ सकते हैं कि जिसका बैटिंग स्ट्रांग होगा और जो बैट्समैन अप्लाई कर लेंगे डेफिनेटली वो टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। अब आपसे फेवरेट टीम का मैं पूछूं, उससे पहले सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सीएसके में हम देखें कि कई चुनौतियां भी हैं यहाँ पर आज के मैच में, खासतौर पर ब्रावो उपलब्ध नहीं है, सैम करन नहीं है, फाफ डुप्लेसिस नहीं है, और सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि धोनी जो है वो फॉर्म में पहले फेज में हमें दिखाई नहीं दिए, 12.33 की औसत से महज 37 रन उन्होंने बनाए थे, तो ये एक कितना ज्यादा जरूरी है धोनी का फॉर्म में आना, क्योंकि बेस्ट फिनिशर है और उसी की तरीके से प्रदर्शन की उम्मीदें हम सभी को रहती। देखिए जहां तक फाफ डुप्लेसी की बात है तो साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, 2020 भी अच्छा खेलते हैं और ग्रोइन इंजरी से सफर कर रहे थे, बट एक गुड न्यूज है सीएसके के लिए कि कल भी उन्होंने ट्रेन किया था और आज वो अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए, ये अच्छी बात है। और उसके बाद में सैम करन जैसे आपने बताया वो मैंडेटरी क्वारंटाइन में अभी हैं तो वो कुछ नहीं, थोड़ी देर वो वेट कर रहे हैं। ड्वेन ब्रेवो भी फिट हैं, वो भी अभी खेलने के लिए, तो जहां तक प्लेयर फिटनेस की बात है एक मैंडेटरी क्वारंटाइन के कारण से सैम करन एक ऑलराउंडर हैं जिन्होंने इंडियन सीरीज में बहुत अच्छा, जो पहला पार्ट था 29 जो मैचेस हुए थे उनमें बहुत अच्छा खेले थे, वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। बट जहां तक मैं टीम कंपोजिशन की बात करूंगा, अगर देखिए अगर आप मुंबई इंडियंस की टीम देखेंगे तो सारे प्लेयर ऐसे हैं जो या तो अपकमिंग हैं या ऑलरेडी जैसे सिलेक्शन हो चुका है उनका इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं सब लोग। यहीं अगर आप धोनी की टीम में देखेंगे तो आपको 50% प्लेयर ऐसे मिलेंगे जो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर है, वो पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने अपना एक जीविका अर्न करने के लिए प्रोफेशन को कंटिन्यू करने के लिए आईपीएल में 2020 अभी भी खेल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा एक इंसेंटिव होता है प्लेयर के लिए अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाना ताकि वो अपनी टीम में बना रहे। अगर उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है तो उसकी टीम से भी वो बाहर होता है, तो आपको कुछ मोटिवेशन फैक्टर रहता है आपकी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए जो एक एज ए कैटलिस्ट यूज होता है उस टीम को जिताने के लिए।
तो जैसे देवाशीष ने कहा मुंबई की टीम जो है वो उनमें से कोई ऐसा प्लेयर नहीं दिखता है, पैक टीम है पूरी, बिल्कुल पैक है। राहुल चाहर की अगर अपन बात करेंगे तो लेग स्पिनर है और अभी उनको वर्ल्ड कप में पिक किया है, तो एक वो मुझे स्पेस लगती है थोड़ी सी कि राहुल वर्सेस जयंत यादव थोड़ा सा एक हो सकता है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में, कि सीएसके के पास में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो कहीं रोहित जो है वो राहुल की जगह पे जयंत यादव को खिला रहे, वो मुझे एक स्पेस लगती है कि जहां पे कुछ वेरिएशन का पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज मुंबई में मुझे कोई चेंज की आवश्यकता दिख नहीं रही। अब आपकी फेवरेट टीम सर, पहले आपसे शुरू करता हूँ, आज कौन सी आपको फेवरेट टीम? मुझे क्योंकि मैं लास्ट टाइम के परफॉर्मेंस की भी आपसे बात कर रहा हूँ कि सीएसके बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी यूएई में, और मुंबई इंडियन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, मुंबई इंडियन के सारे प्लेयर मोस्टली जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी भी खेल कर आ रहे हैं, इनफॉर्म टीम है, तो मैं उनके साथ जाना चाहूंगा। और स्टैटिस्टिक्स की भी अगर हम बात करेंगे कि पिछले 5 मैचेस अगर हम देखेंगे तो जो सीएसके और मुंबई इंडियंस के बीच हुई है उसमें मुंबई इंडियंस 4 मैचेस जीते हैं, सीएसके सिर्फ एक मैच जीता है, तो मैं मुंबई इंडियंस के साथ इस मैच में जाना चाहूंगा। सर दिल की पूछोगे या हकीकत बताओ? मैं तो चाहूंगा कि सर दिल की बता दें आप। दिल 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 तो दिल यही है, दिल यही है, वो आपको दिख भी रहा है, लेकिन जब कंपैरिजन वाली आती है तो ज्यादा धड़कने लगता है। हकीकत में थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना। हकीकत में मैं मुंबई इंडियंस को हम अगर देखेंगे तो एक बहुत बैलेंस एक पैक टीम है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा करती आई है, तो लेकिन बस ये है कि दिल है कि मानता नहीं, तो निश्चित तौर पे मैं बैक करूंगा। थोड़ा सा क्या चेंज होना थी, कुछ ऐसा एक इंटरेस्टिंग चीज बनी रहनी चाहिए कि आपके 2-3 दावेदार हों और कश्मकश चलता रहे और उसके बाद फिर कोई ऐसा जीते जो बाकी, तो सीएसके दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, ये टीमें हैं जो आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना। देखिए ये कोविड में तो और एंटरटेनमेंट की ज्यादा जरूरत है, तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि हाँ वाकई लोग सब अपने दुख दर्द भूल के और फिर आईपीएल में लगे रहे कि हाँ यार ये एक ऐसी चीज आई है जिसने हमको इससे बाहर निकाला है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं ना कहीं जो थोड़ा एक पैनिक सिचुएशन थी, जो एक पेंडेमिक समय हम लोगों ने देखा, उसे भुलाने के लिए जो फेज 2 है आईपीएल के इस सीजन का, वो बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। और आज ये महामुकाबला है महेंद्र सिंह धोनी जो कि T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के मेंटर है, यानी यहाँ पर उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है अपने आप को साबित करने के लिए। और रोहित शर्मा सबसे ज्यादा नजरें उन पर रहेगी क्योंकि अब भारतीय टीम के इस सीमित ओवरों के फॉर्मेट में उन्हें बतौर कप्तान, संभावित कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है, तो उनके लिए भी यहाँ पर सबसे ज्यादा ये जरूरी होगा कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। कुछ इसी में मैं एक जोड़ना चाहूंगा कि बीसीसीआई को जो थॉट प्रोसेस है, जो थिंक टैंक है, वाकई उनको उनको हमको धन्यवाद देना चाहिए कि MS धोनी के इस वास्ट एक्सपीरियंस को आप मेंटोर के रूप में लेके जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम है और बहुत साहसिक कदम है, और धोनी से बहुत कुछ सीखने को प्लेयर्स को मिलेगा, और इसका एक रिजल्ट बहुत अच्छा हम देख सकते हैं। देवाशीष बहुत अच्छी शुरुआत भी है, अगर हम देखेंगे तो जितने भी क्रिकेटर रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद में लगभग वो लूप लाइन में चले जाते हैं 5-7 साल के लिए। ये पहली बार इंडियन क्रिकेट में ये समय आया है, ये डिसीजन लिया गया है कि रिटायरमेंट के 2 साल के अंदर ही उनको एक इस तरह की इंपॉर्टेंट टास्क दे दिया गया है कि जाइए आप जाकर अपनी प्रतिभा के साथ में न्याय करिए और बच्चों को सिखाइए कैसे करना। मुझे लगता है ये ऐसे ही होना चाहिए। यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक खिलाड़ी का एडमिनिस्ट्रेशन होना, सौरभ का आने से और सौरभ का एक थॉट प्रोसेस, जो पॉजिटिविटी और जो प्लेयर्स का यूटिलाइजेशन, जो वास्ट एक्सपीरियंस का यूटिलाइजेशन जो आप करते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक प्लेयर का एडमिनिस्ट्रेटर होना, यहां फर्क दिखने को मिलता है। और यही वजह कि धोनी के जो तमाम शुभचिंतक है उनकी दुआ एक तरीके से कबूल हुई है कि धोनी भले क्रिकेट से दूर हो गए हो, क्रिकेट धोनी को अपने आप से कभी दूर नहीं होने देगा, और हम भी आपसे कभी दूर नहीं होंगे। जब जब इस तरह के खास मुकाबले होंगे, टूर्नामेंट होंगे, हम इसी तरह इस खास पेशकश में हमारे खास मेहमानों के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, क्योंकि आपसे कुछ ही मिनटों बाद शुरू होने वाला है आईपीएल के सेकेंड फेज का महामुकाबला। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन विश्वसनीय खबरों के लिए डीजीएनआर न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।